जरूर। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 15.3 ऑफ चैप्टर 15 सर्कल्स फ्रॉम ML अग्रवाल फॉर क्लास 10th फॉर ICSE. This exercise is based on tangent. Is pe based hai 15.3 exercise tangent to circle. Ab isme sabse pehli property jo humne karni hai, that is radius of a circle is perpendicular to the tangent at point of contact. Sabse pehli property kya hai? Radius of a circle is perpendicular to the tangent at point of contact. Point of contact pe perpendicular hoti hai. This is the circle. This is the radius. Yahan pe koi tangent hai. Ab dekho dono ka पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला है, ये डॉट यहां पे लगाया, पी ले लिया. ए बी इज द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ पी, ओपी इज द रेडियस, देन ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए बी पे. और रीजन हम ये लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वर्ड नहीं डाला तो वन मार्क कट जाएगा या हाफ मार्क कट जाएगा. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मीन दिस एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. अब नाउ सेकेंड थ्योरम, सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल is the exterior point. PA, PB. These are the tangents from exterior point of a circle are equal in length. Means PA, मतलब यहां पे मान लो Q है, तो PQ is not the tangent. लेंथ ऑफ टेंजेंट कहां से कहां तक लेनी है, पी से ए तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक, पी से बी तक, पी बी. पी ए इज इक्वल टू पी बी. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. इज इट ओके? यस सर. अब उसके बाद बेटा थर्ड थ्योरम जो हमने कल की थी, कल की थी कि परसों की थी, एस चंद में से कल परसों की थी, आई थिंक सो एक्शन में से, हाँ सैटरडे को की थी. क्या थी? यस इप्सिता बोलो बेटा. सर कौन सी वाली? थर्ड. इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटीरियर और एक्सटीरियर, देन हाँ सर, देयर सेगमेंट्स आर इक्वल. नो, देन द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स इज इक्वल, देन देयर प्रोडक्ट ऑफ, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल. देखो यहां पे दो सर्कल्स इंटीरियर में इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एपी इंटू बीपी, एपी इंटू बीपी किसके इक्वल, सीपी इंटू डीपी इसके इक्वल हो. ये इंटीरियर है. अगर एक्सटीरियर में करती है बेटा इस टाइप से ए बी
and CD intersect each other at P. Then PB into PA. मतलब P से लेके B तक और P से लेके A तक. PB into PA is equal to PD into PC. Understood? समझ आया? This is. Okay? लग गया बता? सर एक और भी थी थ्योरम. हाँ ये मैंने ये बोला कि ये पता लग गया. मैंने ये तो बोले नहीं खत्म हो गई. सर मैं तो वैसे ही बस मैंने भी वैसे ही कह दिया फिर. थ्योरम फोर. हाँ जी अमृता कैन यू टेल मी फोर थ्योरम. इफ अ टेंजेंट and a chord intersects, then product of segments of a chord, product of, मतलब अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो बेटा, product of segments of chords. सर ब्लर है वीडियो. हाँ पता है मैंने. is equal to the square of tangent. Tangents in tangent. अब देखो this is a tangent. This is a chord when produced intersect each other at P, A, T ले लो यहाँ पे या A B ले लो. अब product of segments of chord PA into या शिप्शिता सर PA into PB is equal to square of length of tangent PD. Yes sir. तो ये रिजल्ट होगा. अब एक रिजल्ट और है बेटा. That is angle in alternate segments. कौन सा आएगा एक मिनट मैं यहाँ पे देख लूँ. ये और तो नहीं रह गई. Tangent as segments of a circle. Number of tangents. Sir, ये tangent में कितनी का theorems है? बस एक और है. Angles in alternate segments. Angles in alter. चलो वो बता ही देते. Angles in alternate segments. इसमें क्या है बेटा? Angle in alternate segment. If a line touches a circle from the point of contact, a chord is drawn. एक सर्कल है या ये कह लो कि एक कोड के एक एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन है. चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो. मैं इस साइड ले लू. ए बी इज अ कोड. पी क्या इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी. अब ए बी के साथ दो सेगमेंट्स बन गए बेटा. AB is a segment. ये एक तो ये सेगमेंट बन गया और दूसरा ये वाला मेजर सेगमेंट बन गया. दिस इज द माइनर एंड दिस इज द मेजर सेगमेंट. एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट्स कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में अनामिका कितने एंगल्स बन रहे हैं बेटा? यस सर टू एंगल्स. कौन कौन से? PBA एंड QBA. PBA या ABQ, ABP ये वाला एंगल बन गया और एक ये वाला एंगल बन गया. देखो जहां पे मैंने डबल आर्क लगाई है एंगल पे वो माइनर सेगमेंट की तरह बन रहा है ना. यस सर. तो मेजर सेगमेंट पे कहीं पे भी कोई पॉइंट चाहे यहां चाहे यहां चाहे जहां कहीं पे भी ले लो. यहां सी ले लिया और कॉर्ड के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. डबल आर्क लगा दी. दिस एंड दिस एंगल्स आर इक्वल. अंडरस्टूड? समझे? यस सर. अब दूसरा
ये सिंगल आर्क वाला एंगल बेटा, तो डबल कर दिया मैंने, ये डार्क एलो कि डार्क जो कर दिया, ये देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड के साथ इस तरफ मेजर सेगमेंट की तरफ बन रहा है ना ये एंगल, यस सर, तो माइनर सेगमेंट इस छोटी सी आर्क पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लिया, डी एम पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करो, ये वाला एंगल जो डार्क कर दिया इस डार्क वाले एंगल के इक्वल होगा, अंडरस्टूड, समझे बेटा? फिर से देख लो, एक सर्कल, दिस इज अ कॉर्ड, मैं इस तरह बना रहा हूं जानबूझ के कि समझ आ जाए, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये है, इस साइड जो एंगल बनेगा वो इस साइड कोई भी पॉइंट कहीं पे भी हो उस एंगल के इक्वल होगा, कॉर्ड और इसके बीच में ये वाला एंगल बन गया, इस साइड कोई भी पॉइंट चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे ले लिया मैंने, इस एंगल के इक्वल होगा, सिंगल वाला सिंगल के इक्वल, डबल वाला डबल के इक्वल, रीजन क्या लिखेंगे इसका, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट इंटीरियर, हाँ जी सर, जो यहाँ पे कोई भी पॉइंट होएगा सर वही एंगल इक्वल होएगा कि सर कोई और भी हो सकता है, मैं क्या कह रहा हूँ ये ले, ये भी इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है कि नहीं है, यस सर, फिर एंगल इसके भी इक्वल ही होगा ना, चाहे इसके ले ले, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया इन एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, ये भी तो इनके इक्वल ही होगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट, तो इसके इक्वल है ये एंगल, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, सर तीनों मतलब के साथ में हो जाएंगे, ये ले चौथा भी ले ले, ठीक है, पांचवा ले ले, समझ आई मेरी बात, यस सर, यहाँ पे और पॉइंट ले ले ले, जितने मर्जी एंगल हो इस सेगमेंट पे होना चाहिए, बस इस आर्क पे होना चाहिए, ओके सर, इधर वाला एंगल इस आर्क पे कोई भी पॉइंट है वो एंड पॉइंट ऑफ कोड के साथ ज्वाइन हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, अंडरस्टूड? यस सर, सब कुछ पता चल गया बेटा, यस सर, ये कौन बोला था, यस सर, अंशिका, अच्छा अंशिका बोलती भी है, शुक्र है, जी सर, ये जिंदगी में पहली बार आवाज सुनी है, मेरे कान धन्य हो गए, अंशिका बोलती तो है, ऐसे नहीं है सर, मैंने पहली बार सुनी है, ये तो बोलती है मैंने पहली बार सुनी है, इसीलिए बोला था सर मेरे कान धन्य हो गए, ओहो किसकी आवाज कम आती है, एक तो आती है अमृता की, दूसरा अनामिका बहुत कम बोलते हैं, इससे बस क्वेश्चन पूछो वही बोलती है ना अनामिका, यस सर, एनर्जी वेस्ट नहीं करते ये इप्सिता की तरह अपनी, सर इसे एनर्जी वेस्ट करना नहीं कहते हैं, इसे उल्टा एनर्जी यूटिलाइज करना कहते हैं, क्योंकि सर मैं सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, मैं बोर हो जाती हूँ, और अगर मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, चित्रानी का आटा है, कुछ भी कह लो सर, कन्वर्सेस एप्लीकेबल, बोल दी सर, सुखमनी भी बहुत है, इथे आके नु पता नहीं की बोला बात, मैं नहीं बोल दी, मैं चुप रहा, हां वो तो बोल दी नहीं, जवानी लग गई, उधर गूंगी है, मैं कह रही ना सर, हां सुखमनी तो गूंगी है, नहीं सर गूंगी नहीं, बहुत बकवास कर दिया सर, ये पूरा दिन टपदी रहंदी है, पता नहीं इथे आके नु की गोला बज दंदा, एकदम शांत, खौफ खौफ, कोई ना सर हौली हौली खत्म हो जाऊंगा, अच्छा हाँ जी बेटा, सिमरू, यस सर, साड़ी सियानी कुड़ी है, हाँ जी सर, टॉपर न्याणी, हाँ इतनी बदबू क्यों आती है जलने की, है ना सिमर, तू ज्यादा ही आने लग गई आजकल तो, यस सर, मैं प्रेज कर रही हूँ सर कि ले इसे जलना नहीं कहते सर, प्रेज करना बोलते हैं, अच्छा चलो फर्स्ट सम, द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस थ्री, देखो रेडियस थ्री गिवन है, फ्रॉम इट फ्रॉम अ पॉइंट डिस्टेंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द From distance, yeah, distance, that is the same thing. 5 centimeters from the center.
रेडियस 3 दिया है और सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 5 दिया है. दिस इज द सेंटर. सेंटर से जो डिस्टेंस है पी, ये 5 है. रेडियस चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो. इस साइड ले लूं बेटा मैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लो पहले. ये वाला रेडियस, ये 3 है. यहां पे कोई भी पॉइंट हम ले लिया. वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो सिमर, हमने क्या चीज फाइंड करनी है बेटा? सर पीएम. पीएम हाउ वी कैन फाइंड? सर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, ये एंगल 90 दिया हुआ है? नहीं सर, सर 90 हो गया ना, फिर लिखना पड़ेगा ना, ऐसे तो मार्क्स कट जाएंगे. नहीं सर, आपने पूछा ना सर कैसे सॉल्व होगा, सर मैंने वैसे बताया. हाँ फिर वैसे सॉल्व होगा, पहले 90 लिखना पड़ेगा ना, फिर 79 रह जाएंगे 80 में से फिर से. नहीं सर. हैं? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, और लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा. समझ गई सर? yes. इनकी ऐसी छोटी मोटी गलतियों से ही तो हमारा घर चलता. Tangent at point of contact. This angle is of 90 degree. अभी तो सुखमनी भी पीछे छोड़ेगी इप्सिता को. देखते जाओ. टेंशन नहीं लेनी सर, अपनी गुड़िया हो, अपने बंदे हैं. हाँ जी. इसमें 90 degree है. 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज OP. OP square किसके इक्वल सिमर? सर MP square plus OM square. Very good. Pythagoras theorem. 5 square 25. MP find करने बेटा. OM 3 square 9. 9 side जाके minus हो गया 16. PM square. Square becomes square root. 4. Centimeter meter क्या दिया है? Centimeter दिया तो centimeter लिखेंगे. ये length of tangent हो गया. पहला sum complete. सबको समझ आ गया बेटा ये? यस यस सर. सैनी साहब, सैनी जी. यस सर. यस सर. आ गया? यस सर. ओके. सेकंड सम, अ पॉइंट P is at a distance 13 centimeter from the center C of a circle and PT is tangent to a given circle. PT is given 12. Find the radius. Same question. अभी tangent दिया है हमें 13. PT, sorry, tangent की length 12 है, center से distance 13 है. ये radius find करना है. Same question. You have to do it yourself. अपने आप करोगे. Third भी same है बेटा. The tangent to a circle is 6 of radius 6. Radius 6 है, ये फिगर दी हुई है. Length of tangent 8 है. Find क्या करना है? Center से distance find करना है. PC find करना है. वही same to same question हो जाएगा ना पद्मनी? Yes sir, हो जाएगा. तेरा नाम पद्मनी है? नहीं सर, अभी आपने पूछा था ना हो जाएगा कि नहीं. पद्मनी, पद्मनी रीज्वाइन कर ले, तेरी आवाज नहीं आ रही. क्या सो गई है? सर मैंने पहले ही कहा था. मैं बोल रही हूँ सर, वो सो चुकी है इसीलिए नहीं कुछ बोल रही सर. सर आपको लग रहा था किचन गई है, वो सो ही गई है. सर खाना खा रही होगी वो. हाँ. नहीं सर, तुक्के लगाते रहो सारे, तुक्के लगाते रहो. सर टीवी देख रही हो. सर की सबसे ब्लंट कैसा. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 13 एंड 5. वो रीज्वाइन कर रही है, उसका माइक नहीं चल रहा था. अंडरस्टूड? फाइंड द लेंथ. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 13 एंड 5. फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द आउटर सर्कल व्हिच टचेस द इनर सर्कल. आ गई शेरनी मेरी दूसरी. सर इतनी देर में हमने कितनी प्रेडिक्शंस कर डाली कि वो कर रही होगी, वो कर रही होगी, वो सब बताएगी अभी. मेरे को ना सुनने में आया है
मेरे को इफ्रो ने सब बताया सर, जिस दिन मेरा माइक के चल रहा होता है ना उस दिन मेरे बारे में। सर मैंने एक बार बात नहीं किया तो इतना सब कुछ बात कर लिया मेरे बारे में। हाँ सर ज्यादा बातें होंगी यहाँ पे। मैंने सब कुछ सर मैं बात कर रही थी आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? तभी तो बोला था रिज्वाइन कर ले। हाँ सर कोई कह रहा था सो गई कोई, मैंने बोला था किचन में चली गई, कोई कह रहा है टीवी देखने चली गई, टीवी देख रही होगी। सर मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं पर ही थी। कहाँ है मुझे तो देख नहीं रही। सर मैं अपने कमरे में हूँ। अच्छा फिर तू यहाँ कहाँ है? लैपटॉप के सामने सर। अच्छा चलो फोर्थ सम बुलाया। वैसे ही बुला नहीं सकते बेटा आपको। नहीं सर बुला सकते हैं। दो सर की जॉब आई थी उनके साथ मीटिंग है सर, ऐसे कैसे बुला लिया आपने? सर मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते होगा। इसकी बातें बहुत क्यूट लगती होती हैं मेरे को, जैसे बोलती है ना ये। आइफ्रा बहन जी कहाँ है आज हमारी? सर वो तो शादी में एंजॉय कर रही है। अच्छा सर खाने की फोटो भेज भेज के। हाँ जी सर उसकी कुल मिला के सर कितनी शादियों में जाती है वो महीने में? सर कसम से बता रही हूँ देश की आधी पॉपुलेशन उसके घर वालों ने बढ़ा रखी है सर। इतने कजन है उसके, इतने कजन है, बहुत ज्यादा सर। चलो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई 13 and 5। भाई एक मिनट, लेंथ ऑफ कोर्ड ऑफ आउटर सर्कल विच टच इज द इनर सर्कल? नेचुरली देखो ये ए बी बिगर सर्कल की कोर्ड है बट स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है। अब ये बिगर सर्कल का रेडियस हो गया ओ ए, ओ पी स्मॉलर सर्कल का। 13 and 5 सेम क्वेश्चन हमने उसमें एस चंद में से किया था। तो चल मनमोहित करवा मुझे कैसे करेंगे ए बी का फाइंड करना है, कैसे करेंगे? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। रीजन सर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर आगे टू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द टेंजेंट पॉइंट सर कॉर्ड ऑफ द टेंजेंट टू द टेंजेंट। अच्छा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अंडरस्टूड? स्मॉलर सर्कल में ये टेंजेंट है ना? यस सर। अब उसके बाद यस सर सर अब आ जाएगा एपी स्क्वायर। एपी स्क्वायर किसके इक्वल? एपी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ओए स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। वेरी गुड बाय यूजिंग पाइथागोरस सर। पाइथागोरस थ्योरम 13 का स्क्वायर 169 ओपी 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस किया 144 रूट 144 12 सेंटीमीटर एपी इज 12। नाउ एबी इज twice of AP, why? Sir, equally bisect के लिए। Equally bisect, equal का meaning भी वही होता है, bisect का meaning भी वही होता है। Equally bisect? Yes. Not equally नहीं, bisect मतलब कोई चीज़ होती है। Bisect क्या है? OP perpendicular. Sir, मैं तो OP perpendicular to AB है, तो फिर AP to PB. Reason पूछा है मैंने। यहाँ reason क्या लिखेंगे? Sir, मैं बताऊँ? नहीं। नहीं एक तो सही है बीच में शेरनी बोल बोल के डराते हैं। शेरनी यस सर क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिफ्लेक्ट। सर मैं बताऊं नो सर सॉरी सर गलत बात है, बहुत गलत बात है। कौन सा सिग्नल पकड़ लिया था तूने? कहाँ से कहाँ चल पड़ी ये? What is this? सर आने वाली थी पंजाब गलती से कानपुर निकल गई और कानपुर वालों को तो वैसे ही काम खराब है। हाँ जी ओपी बस 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 श्रेया रेडियस बिगर सर्कल में ओपी क्या है? सर कोसेंट्रिक ऐसा परपेंडिकुलर
किस पे परपेंडिकुलर है? एबी के परपेंडिकुलर। एबी क्या है? एबी क्या है? सर मुझे पता लग गया। परपेंडिकुलर कहां से? फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये रीजन लिखना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। समझे? यस। याद रखना है अभी इसको मनमोहित जी। सर मैंने भी यही बोला तो ओपी परपेंडिकुलर है एबी के, तो एबी मैंने यहाँ रीजन पूछा था कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं। ओके सर। समझे? यस सर। नाउ फिफ्थ सम। टू सर्कल्स, क्वेश्चन इज टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 एंड 2.8 टच ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे टच एक्सटर्नली। अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा रेडियस, इंटरनली करेंगे तो दोनों का माइनस हो जाएगा। कैसे? ये है, ये बड़ा सर्कल उसका रेडियस 5 है, स्मॉलर सर्कल उसका रेडियस 2.8 है। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ओ एंड ओ डैश, दिस प्लस दिस। अगर इंटरनली टच करते हैं, इसका सेंटर ले लिया, इसका सेंटर ले लिया, यहां से यहां तक 5 है, ये 2.8 है, ये 5, ये 2.8, ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। ये डार्क कर दिया जो मैंने, ये क्या होगा 5 माइनस 2.8 2.2 आ जाएगा। समझे? ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज आर वन प्लस आर टू, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज आर वन माइनस आर टू। ये आर वन ले लो, ये आर टू ले लो स्मॉलर वाला। वो सेंटर में भी तो हो सकता था जो स्मॉलर सर्कल है। क्या कैसे हो सकता था? ये रेडियस 2.8 है, उसका रेडियस 5 है। अगर 2.5 होता ये तो उसके सेंटर पे होता। नो सर, आई मीन कि जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया है बिल्कुल उसके साथ। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, रफ फिगर है सर। आपने फिगर को ड्रॉ किया ना सर उसकी एज पर द क्वेश्चन, तो फिर सर जरूरी थोड़ी है कि सर्कल बिल्कुल साइड में हो। सर सेंटर में भी तो हो सकता है जो स्मॉलर सर्कल है। टच कैसे करेगा? अच्छा टच किया हुआ है, ठीक है। ये टच कर रहे हैं ना, दोनों सर्कल टच कर रही है ना, है ना, है ना इप्सिता? ठीक है सर, कोई बात नहीं, इंसानी की गलती सर। चलो। हाँ सर, इसका पीडीएफ नहीं भेजा। रो के दिखा, रो पूरी जोर जोर से रो, फिर भेजूंगा अभी, भेज देता हूँ बेटा, जस्ट वेट, दो मिनट रुक जाओ अभी मैं। सिक्स सम। इन फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल एबीसी इज सर्कमस्क्राइब्ड, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है। बहुत इजी सम है। अब फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रही है, तो मतलब सर्कल को, तो सर्कल अंदर होगा। इसका मीनिंग भी समझ दिया करो। ये ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब मतलब ट्रायंगल बाहर है, इसके सर्कल, तो सर्कल अंदर होगा तो टच करेगा साइड्स को इस वे से। ए बी, यहां पे ए, यहां बी, यहां सी, यहाँ पी पॉइंट है बेटा, पी पॉइंट अंदर लिखा है इन्होंने, मैंने भी अंदर लिख दिया। यहाँ क्या हुआ है, बाहर भी लिख सकते थे। यहाँ तक 4 है बेटा ए पी, ये 6 है, टोटल 12 है। ये टोटल यहाँ पे आर पॉइंट है, ये एक्स है, हमने एक्स फाइंड करना है। तो शेरनी, शेरनी नहीं, अभी और किसी से पूछते हैं। हाँ जी सानिया, सानिया कुमारी पटेल। हाँ जी सर। कैसे करेंगे सर? हम पहले एपी से ए क्यू निकाल लेंगे, दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड। और बीपी इज इक्वल टू बी आर 6, और बी जो वो है
सी क्यू निकल जाएगा 12 माइनस 4 8। पूरा लिखना पड़ेगा ठीक है ना? हाँ जी सर। दीपशिला से ज्यादा मार्क्स लेने हैं इस बार। हाँ जी सर। 8 सी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू 8। वेरी गुड। बी सी हमारा एक्स है 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। शाबाश। दिखाना दिखाना फिर ऑन करना वीडियो। वो सर कैमरा ना गलती से मेरा अपने आप ऑन हो जाता है, गलती होगी। हाँ फिर अभी गलती से कर दे फिर से एक बार। इसके कितने नाम है? नेट टिश्यू। मैं चांटा मारूंगा आके तेरे खींच के, फटाफट ऑन कर नेट टिश्यू। सर क्यों मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो आप? कोई अत्याचार हो रहा है तेरे पे? देखो नो रिस्पेक्ट। जल्दी से कर दे ऑन। क्यों सर अपने में को देखा तो तेरा कोई अच्छे बच्चे नहीं है सर। आपकी बात में सुनती हूं सर। की फायदा संक्रांत हमारी पटेल कर रही हूं मैं सर ऑन। करनी पड़ेगी, बस थोड़ा टाइम दीजिए सर। आजकल की युवा पीढ़ी सर रिस्पेक्ट नहीं करते अपने बड़ों की सर। कितनी मिनट करा के जल्दी से कर ले देखना। होय 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 देखा ही नहीं हमने तो। नो रिस्पेक्ट सर। हाँ भाई कितनी शर्मा रही है ना सानिया। हाँ नहीं सर एक मिनट भी ऑन नहीं किया सर। एक मिनट तो ऑन कर ले। अब पूरा एक मिनट भाई देखना क्या हो रहा है इसमें। मैंने को नजर लग जाएगी। कौन है नजर लगाने वाला? चलो कोई बात नहीं, मत बोल। यस बेटा यहाँ पे रीजंस लिख देना। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। बस इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, सेकेंड पार्ट में भी सेम टाइप का ही है। यहाँ पे आप क्वाड्रिलेटरल सर्कमसाइज कर रही है एबीसीडी। सीआर की मैंने फिगर ही बड़ी बनाता हूं बेटा मैं, उसमें पता चलेगा। ये 15.3 एक्सरसाइज बेटा एमएल अग्रवाल में से। भगवान ने ना एक ना मुंह दिया है और आवाज भी दी है अच्छी खासी, है ना चुरसिया जी? बोलिए इसका नेम बोलना सर। नहीं मैं नहीं बोल सकता सर। इशित्व। इशित्व बोलो ना सर। हाँ सर इशित्व। यस सर इशित्व। सर अब इसके सरनेम से मत बुलाना, अब इसके नेम से ही बुलाना। तो रहने दे सर, एक बार ट्राई तो कर लीजिए। इशित्व हाँ सर। इशित्वा नहीं नहीं ये नहीं इशित्वा नहीं सर इशित ना इशित्वा ही ठीक है हमारा तो। इशित्वा लिखता तो इशित्वा ही है ये। इशित्वा नहीं इशित्वा सर। इशित्वा के लिए डबल ए होना चाहिए, उसने तो सिंगल ही लिखा है। पद्मिनी मुझे तो बस। हाँ जी बेटा यहाँ यूपी गोरखपुर में सबके नेम के लास्ट में आ लग जाता है, जब घर के बड़े बुलाते हैं तो अच्छा। लास्ट में आ लगा के बुलाते हैं। अच्छा कैसे बुलाते हैं सर? एग्जांपल जैसे मेरा नेम सर मैं बताऊं श्रेया नहीं ऐसे नहीं, जैसे खुशी नेम से मेरे क्लास में एक लड़की है तो उसको खुशिया श्रेया मतलब अच्छा। एकदम लंबा घींच के लेके जाते हैं कि सामने वाले के कान कट जाएं। इप्सितिया सर ये क्या कर रहा है? पहले पहले सुखमनिया सर ये सानिया पटेल अभी कुछ दिन पहले यहाँ सुखमनी लिखा था।
आज मैंने जल्दी लॉग इन किया ना, मैं लेट हो गई थी तो मैंने फिर डायरेक्ट ज्वाइन किया था, तो मेरा फिर निकनेम शो हो रहा है सानिया पटेल। तुम गुजरात से आए हो? सर मैं काफी मतलब हमारे जो फोर फादर्स थे वो गुजरात के। सर ये मिक्स ब्रांड है मैं बता रही हूँ ना सर, है तो सर ये 90% सर ये पंजाबी है, बीच में 3-4% कभी कभी इसकी गुजराती निकल जाती है। अच्छा ठीक है चलो वापस। सर मेरे तो घर वालों को ही मेरा नाम नहीं लेना आता, पता नहीं पता। हाँ सर यही लेते हैं मेरे दादू मेरे नाम यही लेते हैं मेरे दादू के लिए। क्या क्या इश्पता? हाँ सेम एग्जैक्टली पता। चलो जिंदगी खराब कर रखी है सर। हाय सर मेरे घर में तू नहीं अपने घर वालों की जिंदगी खराब कर रखी है सर मेरा ना घर तो सब भी कर रखी है सारी क्लास दुख होता है ना सर ये गलत होता है। चल वापस आ जा सर सम्स नहीं हो पाएंगे। हो जाएंगे एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में कभी कभी। मैं बोल रही हूँ सर ये लोग पढ़ाई के बोझ के तले दब के मर जाएंगे। चलो एक मिनट अभी किसकी टर्न बहुत कम आती है। शिवांगी त्रिपाठी जी नहीं बोलना, तनवीर तनवीर बोल कभी तो बोल पड़ा कर तनवीर। मैं कर रहा हूँ सर। नहीं सर मैं कर रहा हूँ आज मेरी टर्न नहीं आई। लांबा जी पुराने वाला सेम ही है फर्स्ट पार्ट जो मैंने कराया डिटो का। हाँ वैसे ही है। लांबा जी सौरभ जी देखा अब नहीं उसकी आवाज आएगी ना सर। हाँ पूछा कौन बोला ये सर? मैं मुझसे भी नहीं पूछा। ये थ्री हो गया ये थ्री हो गया टोटल सेवन है। सेवन में से थ्री माइनस किया ये फोर आ गया। ये फोर इस फोर के इक्वल इसके इक्वल आ गया बीपी के बी पॉइंट से टेंजेंट्स। ये एक से ए के हुए एंड एपी ये फाइव है तो ये भी कितना हो गया फाइव हो गया। तो टोटल कितना आ गया 5+4 9 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। समझ आ गया? यस सर। सेवन सम सेम क्वेश्चन है फिगर दी है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। अब फिगर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ सी है यहाँ डी है यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ पी पॉइंट है यहाँ पे क्यू पॉइंट है यहाँ आर यहाँ पे एस। हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। एपी हमें 6 गिवन है सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया यूनिट्स लिख देंगे फिर। ये 5 है बेटा ये 4 है ये 3 है बस। हमने पेरीमीटर का मीनिंग बाउंड्री की लेंथ बाउंड्री में साइड्स आ रही हैं ए बी बी सी सी डी डी ए। अब ये तो पूरी साइड हमें पता है 11 हो गई 6+5। बी क्यों पद्मनी पद्मनी आवाज चली गई तेरी? यस सर। बी क्यों किसके इक्वल होगा सर? बी क्यों बी पी के इक्वल। Yes sir, 5 centimeter. Reason? Sir, C and what is this BP? What is this BP? BP क्या है? Sir, tangent. B क्या हुआ क्या है? Tangent. B क्या है? A point of contact. हाँ अच्छा. Point of contact है? हाँ sir. Point of contact तो क्या हुआ है? And P है? एक्सटीरियर पॉइंट। ओके सर। BQ एंड BP आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B। देन दिस इज 5 दिस इज आल्सो 5। यस सर। इस साइड भी हमारी 8 आ गई।
अब सीपी किसके इक्वल, सीआर किसके इक्वल? पद्मनी सर सीक्यू। रीजन जल्दी से बोल सर। सी आर एंड सी क्यू आर टेंजेंट्स एंड सी इज द एक्सटीरियर पॉइंट। नहीं ये रीजन नहीं है सर। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल फ्रॉम ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये थ्री, ये सेवन होगी साइड। यस सर। डी एस किसके इक्वल? फोर। डी आर के दैट इज फोर। रीजन सर टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। चलो अपनी लैंग्वेज में बना दिया, ठीक है। ये सिक्स आ गया। सिक्स। रीजन सर टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है सर। हाँ सर, यहाँ पे 11 ऑलरेडी गिवन था। ये 6 गिवन था, ये 5 गिवन था, हम उसको ऐड कर दिए, 11 हो गया। सर वो तो ठीक है सर, एक बार नीचे वाला फिगर मतलब ऊपर वाला फिगर दिखाना सर। इसमें सीबी की लेंथ पूरी 7 गिवन थी। हाँ जी सर। तो फिर यहाँ पे मतलब आपने उसको कैसे किया, मतलब इक्वली डिवाइड कैसे किया? किसको एक बार बता। किसको सर? 3 और 4 हैं। ये 3 है, ये 3 है गिवन है ना जी। ये भी 3 हो गया। हाँ जी। ये टोटल कितने हैं? 7। अच्छा 7 में से 3 माइनस किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में भी जैसे पूरा गिवन था तो फिर सर उसको डिवाइड कैसे? ये कितना है? ठीक है सर। ओके ओके है ना तेरे सिस्टर खाने वाले काम, फ्लाइंग चप्पल। मैं कह रही हूँ सर तो छित्तर चप्पल मुक्के जो मर्जी मारो आओ तो सही सर। मैं मार दूंगा तुम्हारे बोले कोई नहीं, डेली रूटीन है सर, पहनने ही पहनते हैं सर। आज पेपर 2 का एग्जाम था। अच्छा हाँ सर। कैसे हुआ? अच्छा था सर, मैं ग्राफ शीट भूल के गई थी। पेपर 2 मैथ का? हाँ सर। मैथ के 2 एग्जाम हुए हैं? हाँ सर। दूसरा किस कौन सा था? ज्योमेट्री। अच्छा बड़ी जल्दी बता दिया तूने हैं सर। सर आज मैं ग्राफ शीट भूल गई थी और फिर डांट खा लिया सर। चल कोई बात नहीं, डांट भी पढ़नी चाहिए, डांट पढ़ने के लिए पड़ी है। सुबह से मुझे डांट रहे थे सर। कौन? मेरी टीचर। पता नहीं आज पता मुझे देखते चिड़चिड़ा हो गई आज। उसने ना, मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, उसने ना कोई वीडियो देख ली होगी और उसने तूने तो उस मैडम की बुराई की होगी। नहीं सर। पक्का? हो सकता है सर, इसके साथ नहीं हो सकता है। बेचारी भोली भंडारी कुछ कहते तो है नहीं सर। मैम की बुराई, ओ माय गॉड सर, इतना बड़ा काम कैसे बोल दिया आपने से। चलो छोड़ो, ये बाकी भोली सी है। गिवन फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कमसाइज अ सर्कल, AD is perpendicular, ये angle 90 given है हमें। Find x, if x find करना है, if radius of inner circle is 10, ये 10 है, ये भी 10 होगा ना बेटा? Yes or no? बोलो जल्दी से। OR is also 10, radius है ये, R यहाँ पे है ना? ये OS center to circle radius. Center to circle radius is also 10. ये angle कितना होगा? 90. This angle is also 90. OS is perpendicular to AD. OR perpendicular to DC. This angle is already 90. तीन angle 90 हैं.
फोर्थ वन भी 90 होगा ना, चारों का सम 360 होता है, तो ये फोर्थ सम एंगल भी 90 हो जाएगा ना। तो प्रभु जी, प्रभु कृपा कीजिए। यस सर। ये क्या फिगर बन गया? ORDS। यस, वेरी गुड। देखो सबसे पहले OS परपेंडिकुलर टू AD, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट। OR इज परपेंडिकुलर टू DC, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल D इज 90। ये फोर्थ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे सीधा लिख देंगे देयरफॉर S ORDS इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। अब DRDS के इक्वल है तो ये फिगर क्या बन गया? सर रेक्टेंगल। तेरा नाम प्रभु है? अच्छा सर, मेरे को लगा आपने सिर्फ उसे एक एंगल पूछा। नहीं, माफी चाहिए। प्रभु जी कृपा करो। यस सर, सर वो स्क्वायर इक्वल है। यस, देयरफॉर DROS या ORDS इज अ स्क्वायर। नाइन्थ में किया था, इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल देन इट इज आल्सो कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर बन गया तो DR इप्सिता किसके इक्वल आ जाएगी? OR की इक्वल आ जाएगी ना साइड सर। हां जी हां जी, DR OR की इक्वल आ जाएगी ना। हां जी सर। क्यों आ जाएगी सर? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तेरे को पता है सर? ये तो सेवेंथ क्लास के बच्चे से भी पूछोगे उससे भी आता होगा, या फिर मैं समझो आप मुझे उनसे भी गिरा कर समझ रहे हो। कभी कभी समझना पड़ता है तेरे को। चलो बस, यहाँ पे अब बेटा BQ की लेंथ किसके इक्वल होगी? रौनक जी, BQ किसके इक्वल होगा? नहीं बोलना सर। मैं बताऊं? नहीं सर, मैं बताऊं? चुप जा। अमृता, why are you not, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Responding, हाँ सर, speaking, जैसे मर्जी कह लो, reacting। चलो ये 27 आ गया, this is 27, this is also 27, tangent from exterior point, total 38 is there। ये कैसे डिवाइड करेंगे इप्सिता? CQ कितना आएगा? 38 minus 27। ओ शुक्र है, 11। तो CR भी 11 आ गया। बेस्ती गलत गल है, बेस्ती होने वास्ती हुंदी है। CR इज इक्वल टू CQ, 11 आ गया। तो टोटल कितनी होगी x की वैल्यू? 10 प्लस 11 21 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। आया समझ बेटा? यस सर। यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया, यहाँ तक कर दिया, उसके बाद ये लिखेंगे BQ इज इक्वल टू BP, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, उसके बाद 38 में से 27 माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा, फिर CQ इज इक्वल टू CR, फिर से वही रीजन, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अंडरस्टूड? ये हमारा 7 सम हो गया। हाँ जी सर, एक डाउट ले लो प्लीज सर। ना बिल्कुल भी नहीं। हाय बस, बहुत है सर। और कितने सम?